पिछले क्लास में हमने अपना घर पद्य का सारांश जान लिया था, तो आज हम सीखेंगे उसकी प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर कैसे लिखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने लिखोगे अपसाइड इन बिटवीन मिडल यू राइट योर लेसन नेम। आपको अपना लेसन नेम बीच में लिखना है, उसके बाद नीचे उसके कठिन शब्दों का अर्थ लिखना है। शब्दार्थ दिया गया है, वो शब्द कंपलसरी लिखना ज़रूरी है, तो वो शब्द आप लिखोगे। उसके बाद जो है प्रश्न उत्तर, प्रश्न उत्तर जो है वह मौखिक है। मौखिक प्रश्न उत्तर जो है मैं यहाँ पे आप सिर्फ अपने क्लास वर्क में प्रश्न लिखोगे, मैं यहाँ पे उत्तर लिखती हूँ, ठीक है। तो पहला प्रश्न क्या है देखिए, चींची चिड़िया ने अपना घोंसला कहाँ बनाया था। तो उत्तर यहाँ है कि चींची चिड़िया ने आम के पेड़ पर बनाया था, आम के पेड़ पर बनाया था, ठीक है। यह है पहले प्रश्न का उत्तर। फिर से एक बार दोहराती हूँ, प्रश्न आप लिखोगे, प्रश्न मैं यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ, तो प्रश्न आपको ही लिखना है। प्रश्न मौखिक में से पहला प्रश्न है, चीची ने अपना घोंसला कहाँ बनाया था। तो पहला प्रश्न बनता है, उसका आंसर है चीची ने अपना घोंसला आम के पेड़ पर बनाया था। उसके बाद दूसरा वाला जो है, उसने अपने बच्चों का क्या नाम रखा, उसने अपने बच्चों का क्या नाम रखा, उसने अपने बच्चों का नाम चूचू और चिमी रखा। दूसरा वाला जो है उत्तर, दूसरा उसने अपने बच्चों का नाम चूचू और चिमी रखा। चूचू चूचू और चिमी रखा। इधर देखिए, चीची उन्हें उड़ने से क्यों मना करती थी, चीची उनको उड़ने के लिए क्यों मना करती थी, क्योंकि वो बहुत छोटे थे और उनके पंख अभी नए थे और वो कमज़ोर थे, इसलिए उनको उड़ने के लिए नहीं आता था। तो वहाँ पे चीची ने क्या किया, उनको उड़ने के लिए मना किया। तो उत्तर यहाँ क्या है, उत्तर तीसरा, चीची उन्हें उड़ने से मना करती थी क्योंकि उनके पंख अभी नए और कमजोर थे। चौथा वाला जो है वो है
क्वार्टर में कौन रहता था? क्वार्टर में तोता रहता था। ये हो गए प्रश्न के उत्तर, चार प्रश्न के उत्तर। अभी जो है वो है लिखित प्रश्न उत्तर। लिखित प्रश्न उत्तर यानी कि आपको अभी इसमें लिखना है, क्लास वर्क में ही उतारना है, ये भी क्लास वर्क में ही उतारना है, ठीक है। तो पहला प्रश्न है प्रश्न के उत्तर, पहला वाला जो है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पे है पहला प्रश्न है, टोटल कुल मिलाकर कितने 10 प्रश्न हैं, 10 में से अभी कितने होते हैं उतने लिखेंगे और जानेंगे, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखे। चीची दाना लेकर आते ही बच्चे क्या करते थे? चीची जब दाना लेकर आती थी तब बच्चे क्या करते थे? क्या करते थे बच्चे? यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर एक उत्तर, चीची जब दाना लेकर आती थी बच्चे शोर करते थे, शोर यानी कि आवाज, शोर करते थे, ठीक है। यह रहा पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरे प्रश्न का उत्तर है, बच्चों के नए पंख होने के कारण चीची उन्हें क्या समझाती थी? बच्चों के नए पंख होने के कारण चीची क्या समझाती थी? चीची समझाती थी कि मेरे बच्चों अभी उड़ने की कोशिश ना करो, नीचे गिर जाओगे तो हड्डी फसली टूट जाएगी करके उन्हें समझाती थी। समझाती थी कि मेरे बच्चों अभी उड़ने की कोशिश न करो या नहीं करो चलेगा, नीचे गिर जाओगे। हड्डी पसली टूट जाएगी। ठीक है, ये रहा दूसरे प्रश्न का उत्तर। अभी तीसरा प्रश्न क्या है देखिए, उड़ने का अभ्यास हो जाने पर
माँ की गैर हाजिरी में बच्चे क्या करते थे? उड़ने का अभ्यास हो जाने पर बच्चे क्या करते थे? यहाँ पे बच्चे क्या करते थे, उड़ने का अभ्यास हो जाने पर बच्चे दक्षिण से उत्तर, माफ कीजिए, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम उड़ाने भरते थे। उड़ने का अभ्यास हो जाने पर माँ की गैर हाजिरी में बच्चे खुले आकाश में उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम में उड़ाने भरते थे। ठीक है, यह रहा आज तक के प्रश्न उत्तर। बाकी के जो साथ हैं वो अगले क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।